pesano, tío. सॉफ्ट होता है बदन में। उसमें घुस नहीं पाएंगे मैं। इसमें सॉरी वो ढाई दो उड़ने में दिक्कत हो रही होगी, समझे नहीं? हाँ। तो हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट, ग्रोसरी का सामान खत्म हो गया है तो वही लेने जा रहे हैं। आज मंटू की छुट्टी भी है तो हम तीनों जा रहे हैं, तो अभी बस यहीं पास में बुद्धर सुपर मार्केट, पहले भी हम लोग जा चुके हैं पास में तो वहीं से ले आते हैं। और मुझे सूट लेना है, एक्चुअली मम्मी ने एनिवर्सरी पे मुझे पैसे दिए थे तो बोल रही थी कि चलो और तुम्हें सूट भी ले लेना। तो घर से निकल ही रहे हैं तो सोच रहे हैं कि दोनों काम एक साथ ही कर लें। और हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया है, हैवी कर लिया है, फिर आके खाना खा लेंगे। तो अभी बस चलते हैं, फिर आपको मिलते हैं वहीं मार्केट में और देखते हैं कैसा सूट लेती हूँ, लाइट वेट या हैवी, वो अब डिपेंड करता है पसंद आने पे। तो चलो चलते हैं। और हाँ, हमारी चिड़िया बहुत शतरी कर रही हैं, अभी उनको एक हफ्ता नहीं हुआ है तो धीरे धीरे एडजस्ट हो रही हैं वो। अभी धूप में हिमांशु लेके उनको बैठे थे क्योंकि हम दोनों मम्मी काम, मैं और मम्मी काम कर रहे थे तो आज बैठ नहीं पाए। वैसे डेली हम दोनों नाश्ता करने के बाद धूप भी ले लेते हैं, उनको बैठा लेते हैं बाहर जाके, वो इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश कि पूछे मत। और जैसे बच्चे नहीं बाहर निकलते तो खुश हो जाते हैं खेलते हैं, इसी तरह से वो भी, एक्चुअली वो भी बच्चे ही हैं, अभी सिर्फ 3 मंथ्स की हैं। और हम लोगों ने अभी उनका कोई नाम नहीं रखा है तो आप लोग कमेंट करके हम लोग को उनके नेम सजेस्ट करिएगा कि क्या नाम रखें। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या नाम रखूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या नाम रख सकते हैं। तो अभी तो चलते हैं मार्केट की तरफ। देखिए फ्रेंड, इन दोनों की क्या मस्ती चल रही है। अब अंदर रख लिया ना इनको, अब परेशान हो रही हैं दूर में जाने के लिए। दोनों आपस में लड़ती रहती हैं, खेलती रहती हैं। अब तुम दोनों लोग रहो अकेले थोड़ी देर, हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने, तुम्हें चलना है? ये देखो झूले बैठ गई, ये परमानेंट इसी पर बैठी रहती है, इसको नहीं बैठने देती दूसरे वाले को। ये देखो फ्रेंड, हम लोग मार्केट चले गए थे 2-3 घंटे के लिए, सो दोनों गुस्सा हो गई, हम लोगों से खाना भी नहीं खा रही है। देखो कैसे बैठी हैं एक साथ, तो खिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो खा नहीं रही हैं। देखो बाकी उधर गुस्सा है। अरे यार बोल भी नहीं रही हैं, हो भी गई है 2-3 घंटे हो गए हम लोग को इनको छोड़े जाए, आप खाने लगी। ये उससे कह रही है क्यों खा रही हो तुम? क्यों तो गुस्सा थे। हाँ इतनी जल्दी कैसे मान गए? ये मान जाती है जल्दी, भूखी थे। देखिए फ्रेंड कैसे सो गई हैं दोनों, इसी तरह से सॉल में मुंह छुपा कर डेली सो जाती हैं। देखो दोनों सो रही हैं। फ्रेंड मैं बनाने जा रही हूँ सांभर, तो इसके लिए ये ली है अरहर वाली दाल
और लौकी को ऐसे बारीक कट कर लिया, और एक गाजर लिए, इसको भी इसी तरह से छोटा छोटा कट कर लिया। आप अपने पसंद की इसमें कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, हमारे यहाँ पर सबको ज़्यादा सब्जी वाला नहीं पसंद है, इसलिए सिर्फ गाजर और लौकी डाल रही हूँ मैं। आप इसमें सारी जो सब्जी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। तो दाल को भी धो दिया है, और अब इसमें ये डाल देंगे लौकी और गाजर। बस इसके बाद इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि पहले तो अभी इनको मतलब बॉयल करना है, तो अभी तो मैं इतना ही डाल दे रही हूँ, फिर उसके बाद डाल दूँगी। और इसमें अभी जाएगा हल्दी पाउडर, तो इतना मैंने 1.5 स्पून डाल दिया है, ये छोटी वाली है, तो इतना हल्दी पाउडर डाल दिया। और नमक डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून, ये तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा आप अपना रख सकते हैं नमक तो हमेशा। और बस अब अभी इसको बंद करके चढ़ा देंगे पकने के लिए, और जब तक सांभर अभी बॉयल होगा तो तब तक मैं इसकी छौंक की तैयारी कर लेती हूँ, तो उसके लिए काट लेती हूँ प्याज टमाटर ये सब सारी चीज़ें। तो आज मैं सांभर के साथ बना रही हूँ बड़ा, मेदू बड़ा, सांभर बड़ा। तो ये मैंने दाल सुबह सुबह कर दी थी, सोख होने के लिए रख दी थी, एक्चुअली रात में तो रखना था पर मैं भूल गई, तो सुबह जल्दी जल्दी मैंने इसको थोड़े से गुनगुने पानी के साथ सोख करने के लिए रख दी थी। तो 4-5 घंटे में अच्छे से हो गई है, ये देखिए हो चुकी है। तो अब इसको हम पीस लेते हैं, तो अभी तो ये ज़्यादा है ना, तो आधा आधा करके पीसेंगे जिससे ये एकदम से फाइन पेस्ट इसका बन जाए। तो बस फटाफट से इसको पीस लेते हैं, अभी सांभर रख दिया बॉयल होने के लिए। तो हमारी दाल हो चुकी है रेडी, इसको पीस लिया हमने एकदम महीन, और अब इसको हमें कम से कम 5 से 10 मिनट फेंटना है, क्योंकि इतने अच्छे से फेंटना है कि हमारे बड़ा अच्छे सॉफ्ट और फ्लफी बने। तो कम से कम इसको 5-6 मिनट तक या 10 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटना है, और फिर ये चेक करने के लिए कि हमारी ये दाल अच्छे से मतलब फेंट ली है, अच्छे से वो हो गई है कि नहीं, तो उसके लिए हम एक बाउल में पानी लेंगे और इसको थोड़ा सा उस पर डाल के देखेंगे, अगर ऊपर की साइड मतलब तैर रहा हो तो समझिए कि दाल अच्छे से फिट गई है। तो अभी इसको अच्छे से फेंट लेते हैं दाल को। ये दाल और लौकी जो रखी थी बॉयल होने के लिए वो हो गई है, और ये लिया है इमली का पल्प, और ये सांभर में तड़का लगाने के लिए लिया है मैंने 2 मीडियम साइज प्याज, जिनको ऐसा लंबा लंबा पतला पतला कट कर लिया है, और ये ढेर सारा कड़ी पत्ता, और 2 टमाटर लिए मीडियम साइज के, और ये सांभर मसाला। तो बस अभी मैंने उसी कुकर को वापस से चढ़ा दिया है, फिर से इसी में अभी हम तड़का लगा देंगे। तो बस सारी तैयारी हो चुकी है, तो सांभर में तड़का लगा देते हैं फटाफट से। तो सांभर छौंक दिया है तो अब पक रहा है। तो सांभर की रेसिपी मैंने इसलिए आपको नहीं दी क्योंकि मैं पहले भी डाल चुकी हूँ सांभर इडली की, तो इसलिए नहीं डाली। अगर आपको फिर से चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको फिर से सांभर की रेसिपी दे दूँगी। और ये दाल को फेंट लेते हैं, और इसमें बड़ा की में जो जाएगा उसके लिए ली है धनिया और ज़ीरा, और ये थोड़ी सी कड़ी पत्ता इनको कट कर लिया, और एक छोटी सी हरी मिर्ची। तो चलो फटाफट से दाल को फेंट लेते हैं। तो इस दाल को कम से कम 10 मिनट तक फेंट लिया अच्छे से, और अब इसको ये देखो पानी में डाल के देखा है तो ये ऊपर की तरफ तैर रही है। तो ये देखो आपको भी दिखाती हूँ,
ये देखिए इस तरह से अगर पानी में ऊपर तैरने लगे तो समझिए दाल अच्छे से फिट गई है इसमें। बस अब हम ये सारी चीज़ें डाल के बड़े बना लेते हैं। तो अब इसमें ये सारी चीज़ें डाल लेती हूँ, ढेर सारा धनिया और ये मिर्ची और जीरा और इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे इतनी सी, क्योंकि ये वाली दाल थोड़ी सी हैवी होती है ना, तो डाइजेशन के लिए हींग डाल देते हैं थोड़ी सी। और अभी इसमें डाल देंगे एक चम्मच नमक बस। तो अब इसमें ये सारी चीज़ें डाल लेती हूँ, ढेर सारा धनिया और ये मिर्ची और जीरा और इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे इतनी सी, क्योंकि ये वाली दाल थोड़ी सी हैवी होती है ना, तो डाइजेशन के लिए हींग डाल देते हैं थोड़ी सी। और अभी इसमें डाल देंगे एक चम्मच नमक बस। तो कढ़ाई रख दी है ऑयल डाल के, ये गरम हो रही है, तब तक हम एक बना के देखते हैं बन रहे हैं कि नहीं। मैं पहली बार ही मैं भी ट्राई कर रही हूँ एक्चुअली। मुझे लग रहा है थोड़ी सी दाल मैंने गीली कर ली है। पानी में ऐसे हाथ धो करके थोड़ा सा पानी लगा लेंगे हाथ में और इसको इस तरह से करके प्रॉपर बड़े वाला सेप तो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है मिक्स दाल गीली हो गई है। अब इसको दाल को थोड़ा सा टाइट करने के लिए इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स कर दिया है, इससे अब सही हो जाएगा। तो चावल के आटे से थोड़ा सा क्रिस्पीनेस भी आ जाएगी और ये हमारे वो भी सही हो गया है। बस इसी तरह से इन सभी को फ्राई कर लेंगे। तो हमारा सांभर और बड़ा बनके हो गया है रेडी। देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं ना, और सांभर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अब बस है खाने की बारी। अगर आपको हमारी सांभर बड़ा की रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी।